अभी स्थिर। और अब आपका? और बसीर आपका? अब्दुल रहमान। अताउ रहमान अताउ रहमान से अंग्रेजी पसंद है, हिसाब पसंद है। हिसाब? तुम्हारा हिसाब पक्का है? एक अंडा कितने का दे रहे हो मुझे? 85। अच्छा, तो 3 अंडे में कितने रुपए कमाओगे? अरे वाह, बेहतर। इधर तुम्हारी आंखें, तुम लोगों की आंखें कितनी खूबसूरत है। देखो आंख तेरी। अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त मैं हूँ मोटरवे के ऊपर और मैं सवात जा रहा हूँ उन बच्चों से मुलाकात करने के लिए जिनके लिए हमारे बहुत सारे प्यारे भाइयों ने, हमारी बहनों ने बाहर से कुछ तहफ़ भेजे हैं, कुछ उनकी मदद के लिए उनके लिए कुछ पैसे भेजे हैं। तो आपको उनसे मिलवाते हैं, उनसे मुलाकात भी करवाते हैं, उनके वालिद से भी मुलाकात कराते हैं और उनकी जमानत है वो भी उनके हवाले करते हैं और उनको कुछ शॉपिंग करानी है, आगे ईद आ रही है उसके लिए। तो मिलते हैं आपसे सवात में। जनाब पहुंच गया मैं सवात और इस वक्त सवात टर्मिनल से बाजार जाऊंगा, बच्चों से मुलाकात करेंगे, उनको कुछ शॉपिंग करवाएंगे। तो चलें, चलते हैं बाजार। ये आ गए जी अताउर रहमान। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या हाल है बेटा? मीर साहब क्या हाल है? और ये इनका बड़ा भाई है, क्या इसका क्या नाम है? अहमद ज़ादा। और ये इन बच्चों के वालिद हैं और इनके टोटल 11 बच्चे हैं, 7 बेटे और 4 बेटियां। अभी हम आए जी इनके साथ दुकान पे इनको कपड़े दिलवाने के लिए। बताओ रहमान, ये जूते क्यों नहीं पहन के आए हो? जूता किधर है तुम्हारा? निकाल है नहीं, ये स्कूल भी बगैर जूते के जाते हो, ये चप्पल पहन के जाते हो हैं? चलो ये वाला इसको देखें पूरा, ये वाला ठीक है। अभी इसका ये अताउर रहमान के साइज का निकालें। अब छोटा इसको, एक साइज बड़ा निकालें। ये देखो पूरा, तुम्हें ये उतार के पहनना था ना यार, ऐसे कैसे पता चले? बताया लेकिन वो उसने बताया, मैं इधर शर्माता है ना। अच्छा बच्चे ना, हाँ चले ठीक है, ये पूरा इसको। चलो ये जूते की दुकान पे चलो। यार इन बच्चों के नाप का जूता दो। ये देखो ये वाला पसंद है, ये शेप सही है कि दूसरा ले? छोटा है लेकिन इसके पैर बड़े हैं। सही दे। हाँ सही, पूरे जूते हैं, पूरे जूते मजे के हैं, अच्छे जूते। चलो अभी चलते हैं, आपको खाना खिलाते हैं चलते। सवाद में हम अभी उन बच्चों के साथ हैं जिनके लिए स्पेशली मैं इस्लामाबाद से आया हूँ। आप हमारे भाइयों की मोहब्बत भरी, चाहत भरी और अमानत लेके जो इनके लिए आपने भेजी, इतने दूर से अमेरिका से, जर्मनी से, यूएई से हमारे भाइयों ने, और कुछ दो हमारे छोटे छोटे स्टूडेंट्स बच्चे हैं जिन्होंने अपनी पॉकेट मनी का 1000-1000 रुपए इन छोटे बच्चों के लिए भेजा। तो उनसे हमने इनके लिए जूते लिए, कपड़े लिए और उनके वालिद भी हमारे साथ हैं। उनके 11 बच्चे टोटल साहब, और उन 11 बच्चों का ये मेहनत मजदूरी करके पेट पालते हैं, उनकी वजह के छोटे बच्चों को सर्दी में, शदीद ठंड में, बरसती हुई बारिश में, बर्फबारी के अंदर अंडे बेचने का काम करना पड़ता है, वो देख के पूरी दुनिया से जितने भी हमारी बहनों भाइयों ने उनकी मदद की है उनका बहुत शुक्रिया। अभी हम इन बच्चों के साथ हैं, उन्हें उनसे मुलाकात करने के बाद, इनको जमानत देने के बाद
वापस इस्लामाबाद जाऊंगा आज, स्पेशली इसलिए आया था। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, जिन जिन लोगों ने उनकी मदद की है, जिन लोगों ने कॉल की है, मैसेज किए, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, ठीक है सैयद रहमान, अल्लाह हाफिज़। मैं चलता हूँ, फिर सवाल आऊंगा ना, फिर आपसे मुलाकात होगी, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।